आज हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। कुछ नहीं होता, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी था साथ ही थे। लेकिन ये तो बेलन है ना। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दो तीन दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था बिकॉज मैं बहुत बीमार था एंड इट्स आई एम नॉट यूजिंग दैट एज एन एक्सक्यूज, बट जनरली काफ़ी बीमार था। आवाज़ भी इसीलिए आवाज़ प्रूफ। ये देखें, ये मजाक समझते हैं यार। मतलब भाई की बीमारी किसी खाते भी नहीं आती। आज हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, हमारी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट डेज है। क्यों अभी बताता हूँ। 39 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है यार। इसका सबूत ये है कि मेरी शर्ट पे यहाँ पे पसीने का इतना बड़ा पैच है। मैं सोच रहा था, मैं कह रही थी गर्मी तो है नहीं, गर्मी नहीं है इतनी, लेकिन हब्स इस लेवल का है कि बैठे बैठे बंदा पिघल जाएगा यहाँ पे। ट्रस्ट मी, दिस 39 फील्स लाइक 50। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमारी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट डेज है, वो कैसे है? वो ऐसे है, हमने एक पिछली वीडियो काफ़ी डिटेल, आई थिंक घंटे की ऑलमोस्ट बनाई थी, उसमें हमने रिवील किया था कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें। यू नो वेयर दिस इज गोइंग, ओके? सो बिजनेस स्टार्ट करने की कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। सो वो जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो फुलफिल करते करते एक तो फंडामेंटल भूल ही गए थे और उस पर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, तो वो था ऑफिस स्पेस। तो यस, हमने फाइनली एक ऑफिस स्पेस ले ली है, और वो कोई छोटी ऑफिस नहीं, वो ठीक ठाक बड़ी ऑफिस स्पेस है, और दैट इज गोइंग टू बी अ कोवर्किंग ऑफिस स्पेस। एंड आज है उसका फर्नीचर और एसी और फलाना टिमकाना शॉपिंग डे, तो हम जा रहे हैं एक कोवर्किंग डेस्क लेने। अब आइडियली 6 to 8 लोगों का जो होता है, भाई भाई साहब हमारी जो टीम है वो काफी बड़ी होने वाली है। सो अब हमारे घर के जो पास है फर्नीचर मार्केट, वो है गोल्डा, लेकिन लोग बोलते हैं कि कूड़ी मार्केट, कूड़ी रोड वाली मार्केट पे जाएं आप, पिंडी में मरी रोड के पास जो है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, आप जरा बताएं कहां दोनों एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये पास है, पहले ये चेक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे उस सकता प्राइस बेहतर मिले अगर हम यहाँ से महंगी चीज हम लेंगे। नहीं, हम लेंगे नहीं ना, हम लोग पहले देखेंगे और फिर वहाँ भी देखेंगे और फिर लेंगे। क्योंकि फर्नीचर मार्केट स्थिति जल्दी बननी होती, तो हमें बेसिकली टेबल कुर्सियां चाहिए, हमें एक एसी चाहिए क्योंकि अभी हम ज्यादा। मैं सोच रही थी कि कॉफी सेटअप भी कर ले नीचे से। नहीं नहीं नहीं, जब जब हमारे पास पैसे होंगे। अरे अपने लिए क्या मतलब, अपने लिए अभी तो सिर्फ हम ही है ना, तो ताकि हम नीचे ऑफिस में बैठ के अपनी कॉफी। हम कौन सी कुछ दिन की 6 कॉफियां पीते हैं? दो तो पीते ही हैं। तो यार जब पैसे हम कमाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। मैं नई कॉफी मशीन लेने की नहीं बात कर रही, मैं बोल रही हूँ सिटीज ऊपर से नीचे ले आते हैं। फर्नीचर मार्केट रखी। आज तो वीकेंड है, तो वीकेंड पे आई थिंक बंद होता नहीं होता सैटरडे को। ये वुड फर्नीचर वाली दुकान की बंद है? अरे तुम चलो, मिल जाएगी। आर यू श्योर? यस यस यार, अगर बंद हुई तो नहीं बंद होगी। तो गाइस फर्नीचर वगैरह तो आई एम श्योर के जरा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। एक जो बड़ा टीका लगने वाला है वो लगने वाला है एसी का। फिलहाल हम ज्यादा एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। डिस्पेंसर भी तो लेना है। वो ही मैं सोच रहा था, मैं घर पानी का डिस्पेंसर भी चाहिए, तो फ्रेंड्स से मिल जाएंगे दोनों। यार डिस्पेंसर के मतलब बगैर भी गुजारा नहीं हो जाएगा? नहीं, एक आप मैंने सारे नहीं, थोड़ा सा ये देखो वुड, ये ऑफिस फर्नीचर, ये देखो तो बाहर से अच्छी लग रही है ली, देखो जरा क्या मतलब यार, इट डजंट लुक नाइस, दे डोंट हैव कुर्सियां इनके पास अच्छी हैं, बट हम लोग को अली वैसे और मैरिया होम हिल्स फर्नीचर यार मिल जाएगा आगे शोरूम वगैरह। इधर मैंने अब जरा बेहतर स्टार्ट हो गए। यहाँ से पीछे से मैंने अपनी शादी का बेड बनवाया था पीछे, वो क्या नाम था उसका, कादरी समथिंग। ये तो घर के फर्नीचर की हैं, तो घर के फर्नीचर वाले पे ऑफिस वाला भी होगा? नहीं होता, ऑफिस फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप। ऑफिस फर्नीचर की दुकान अलग होती है। चलो जरा मार्केट, हाँ बस दुकानें तो खुली होंगी जी, थैंक यू। बट ये तो मैं बाहर से तेरा नजर दौड़ानी पड़ेगी कि ये होम फर्नीचर है या क्या है। उस पे लिखा हुआ पिच रोज फर्नीचर अलीशान फर्नीचर पॉइंट ऑफिस नहीं मिलेगा। नियर मी आई थिंक कूरी रोड,
ऑफिस स्पेस, ऑफिस ऑफिस एलिगेंस. अली सब इधर ही हैं, 34 मीटर्स, 32 मीटर्स. हाँ अभी आगे आ रहे हैं. हाँ लेकिन कूरी रोड आई थिंक इज मच मोर. अच्छा वासन वासन, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाली अच्छी लग रही है. मेन गोल्डा रोड नेक्स्ट टू बैंक आगे ही है बिल्कुल, लिटरली दो मिनट. इसका नाम है ऑफिस स्पेस ऑफिस फर्नीचर. अच्छा आई हैव अ नाइस आइडिया इफ यू अप्रूव. जी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जल्दी से यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, एसी में क्या देखना होता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो है. नहीं लेकिन पहले वो आएगा क्या ऑफिस वाला, वो तो ठीक है. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे रास्ते में एसी वाला पड़ता है तो एसी वाले को डिलीवरी के लिए बोल देते हैं, इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं ताकि वो इंस्टॉल कर दें. हनी मैं आपको यही बोल और सारा काम हमारा ठक ठक ठक. गाइस हम लोग थोड़ा अजीब है, हम लोग को सारा काम ना एकदम से एक टाइम पे चाहिए होता है. हमने सोचा कि हम इतना लाइट क्यों ले रहे हैं, ये तो अनकरीब लॉन्च होने वाला है. तो जब लॉन्च होने वाला है इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर काम भी स्टार्ट कर देते हैं भाई. गाइस काफी ढूंढने के बाद हमें मिल गई क्राउन होम एंड ऑफिस इंटीरियर और वो इम्पोर्टेड ऑफिस फर्नीचर. तो यहाँ पे जरा हमारा पहला स्टॉप है, देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिलता है नहीं मिलता. हो सकता है पहली दुकान मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो चेक करते हैं. यार ये सीढ़ियाँ बड़ी ही कोई अनस्टेबल किस्म की लग रही है, कारपेट से मुझे लगता है इसके फ्लॉज छुपाए हुए हैं. मिल रही है, ये ऑफिस के फर्नीचर की दुकान स्टार्ट हुई है. शायद जरा देखते हैं यार, हमारी मैडम जरा अपनी बॉस चेयर पे बैठ के जरा स्पिनिंग चेक कर रही है कैसा लगता है. बॉस वुमन ये अनिया कोई कुर्सी पसंद आई है, और ये जिसमें मैं बैठा हूँ ये 25,000 की कुर्सी. मुझे मुझे वैसे आइडिया नहीं था. हाँ ये रिक्लाइन करके ये तो डेकोरम करके भी आज थोड़ा पीछे तो करके बैठूंगा ना. तो ये यार कुर्सी 25,000 रुपए के, मेरे दिमाग में था कोई 5-6,000 की कुर्सी मिल जाती है. 25,000 की कुर्सी पीढ़ी मिलेगी. मतलब एवरेज जो ऑफिस की चेयर्स हैं वो भाई साहब प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं एनीवेयर फ्रॉम 25,000 टू 40,000. ये बड़ी नॉर्मल चाइनीज कुर्सी है, अच्छी क्वालिटी तो और ऊपर. अच्छा उठ जाओ अभी दूसरी दुकान देखने. पहले टॉप नंबर वन पे तो कुछ नहीं मिला भाई, उनके पास को वर्किंग स्पेस की कोई डेस्क वेस्ट था ही नहीं. उसने बोला साथ वाले प्लाजे पे देखने. अब ये साथ वाला प्लाजा है श्यामो जी. हाँ इसके ही सर टॉप फ्लोर ये लिखा हुआ सीढ़ियों पे ऑफिस फर्नीचर, इंपोर्टेड ऑफिस फर्नीचर. ऊपर जाए पता नहीं अंदर का बच्चा. यहाँ पे काम की चीजें आ रही हैं, ये बेहतर है थोड़ी सी. लेकिन ये तो सिंगल सिंगल है यार, नीड लाइक को वर्किंग डेस्क. मेरे पास मीटिंग टेबल्स तो हैं को वर्किंग, लेकिन बहुत बड़ी हैं. ये 10 लोगों की है, हमें तो 6-8 लोगों की चाहिए. इसलिए तो हमारे जगह भी नहीं है. सैनिया का आइडिया काफ़ी अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ ह्यूज टेबल, हम जो दो दो वाली टेबल्स हैं जैसे ये है, एक ये ले लें एक और ले लें, मतलब इस तरह की दो तीन ले लें और उनको जोड़ लें. आइडिया तो बुरा नहीं है. क्या तो उधर से बैठ जाएगा ना दूसरा. हाँ उधर से. हाँ स्पेस नहीं है. नहीं बंदोबस्त करके रखे कोई सस्ता दुकान. स्पॉट नंबर टू भी कैंसिल, वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला. ये अगला स्टॉप है ऑफिस एक्सपर्ट्स वाला, यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है. आई होप मिल जाए कैसे जितनी जल्दी फारिग हो उतनी हमें जल्दबाजी हो रही है. एम्पायर बहुत बड़ा लग रहा है, वहीं चलने पहले. हाँ वो महंगा भी लग रहा है. चलो यहाँ से देख लो ना, 2,50,000 की इनके पास टेबल थी वो कितना ही महंगा होगा. हमने ये सोचा था इस तरह की. एग्जैक्टली दिस इज मोर लाइक व्हाट वी. इसमें से तारे हमारे चली जाएंगी. 8 सीटर ही है या 6 सीटर है. कुर्सियाँ भी फिर आपसे ले लेंगे ना. आप कुर्सियाँ भी हमें लेनी है. अरे थोड़ी सी रिक्लाइन करो. ये आप कर देना थोड़ा कम हमें तो हम आप चेयर्स देखें ना. मैं देखता हूँ. गाइस ज़्यादा फिरना नहीं पड़ा, तो हमें भी टेबल नजर आई. वो अगर तो ये मुनासिब रेट करते हैं तो उनसे ले लेते हैं, आगे देखने का फ़ायदा ही नहीं. आपकी भाभी बोल रहे हैं कि 9/10 है वो वाली टेबल. अब कुर्सियाँ ज़रा हम शॉर्टलिस्ट करें, हमने बोला है कुर्सियाँ भी आपसे ले लेते हैं तो ज़रा डिस्काउंट दे दें. ये है लेकिन इनमें देखेंगे हेडरेस्ट नहीं है. सो वी वॉन्ट हेडरेस्ट वाली. बताओ हेडरेस्ट वाली बेहतर है ना, कम्फर्टेबल है ना. बस ऑफिस के काम पे लोग सो ना जाएं. अच्छा
बुक को। पता नहीं यार, ये देखने दो। हाँ वैसे बात है, हाँ 22,000 की ये, और वो कितने की है? अभी आपने 15 ही बोला था, 15-16 की रहेंगी, 15 की मिलेगी, ये 22 की। इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? इसमें अच्छा खासा फर्क है, थोड़ा सा नहीं है, बैग देखते हैं। अच्छा, बैग पूरा शेल लगा हुआ है। चलिए ये भी ट्राई करते हैं, बैठ के देखिए। अच्छा, मैंने सुना था कि गेमिंग चेयर जो होती है ना वो ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं, तो हम यहाँ पर बैठे हैं और ये ज़रा चेक करा था गेमिंग चेयर, तो ये सपोर्ट तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें तो बैठ के नींद आएगी, काम कौन करेगा? ये बेहतर लग रही है वैसे। तुम्हें कौन सी बेहतर लगी है? और ही कुर्सियाँ पसंद आ रही हैं जो हम लेने नहीं आए थे। यू लाइक दिस वन? बड़ी कोई मेंटल कैलकुलेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जिस चेयर पे ये झूल रही हैं, ये चेयर फिलहाल सबसे बेहतर है। ये जो है जिसमें मैं बैठी हूँ इधर बहुत आगे की तरफ है, ये बेहतर है, ज़रा टेबल के कलर के साथ भी जा रही है। सो हमें टेक्निकली तो चाहिए 5 चेयर्स, बट हम सोच रहे हैं कि 6 ले ही लेते हैं, क्योंकि ज़रा कम्प्लीट लगेगा। कोई नया एम्प्लॉय आ गया तो फिर हमें नहीं भागने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। टेबल है वो 8 पीस पे आ जाएंगे, मतलब हाँ। अगर एक्स्ट्रा हमें एम्प्लॉयज चाहिए हुए तो फिर हम 2 और कुर्सियाँ वहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल 6 से काम चलाते हैं, एक फिर भी एक्स्ट्रा ही होगा, एक कभी चाहिए नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ज़रा भरी भरी जगह लगी अच्छी रही। गैस हमने डिस्काउंट भी ले लिया, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये का मुझे डिस्काउंट दे रहे थे, तो एंड में क्योंकि ये बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, इन्होंने हमें मशहूर यूट्यूबर बना दिया कि आपकी दुकान की प्रमोशन होगी। हाँ नहीं, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने फोर्स की थी ना टेबल, सेम चीज़ मिल गई, सेम चीज़। ओह थैंक यू ऑन टू फेज 2। कंग्रेचुलेशंस। तो गाइस हमें ज़्यादा दुकानें फिरनी नहीं पड़ी, हमें तीसरी चौथी दुकान पे जाके ही सामान मिल गया, ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ हमारा, और हमें कुर्सियाँ मिल गई और मैचिंग टेबल भी वाइट है, और ये पार्ट भी वाइट है, पीछे ये ब्लैक है, और जिसमें बैठा हूँ ये वाली कुर्सी हमने डन किया। सो डील डन, अब चलते हैं एसी की तरफ, पहले पैसे दे दें इसके। बस हमने फाइनली जो फर्नीचर है वो ले लिया, मिर्ज़ा फारूक भाई सर, थैंक यू आपने हमें बड़ा अच्छा फर्नीचर दिया, बस टाइम से पहुँचा दीजिएगा इंशाल्लाह प्लीज़। ये वाली कुर्सी है और ऊपर टेबल थी, वो कहना ज़रा टाइम लगेगा, चूँकि असेंबल वगैरह करने में हमने बोला अच्छा नहीं कोई नहीं, लेकिन ज़रा टाइमली भिजवा दीजिएगा। तो अगर आपको भी ख़रीदना हो तो ये दुकान है ऑफिस एक्सपर्ट्स, ये इनका नंबर शंबर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्क्रीन शॉट ले लें एंड कम हियर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फर्नीचर शॉपिंग के बाद हम एक जगह गए जो हमने प्रपोज़ किया था कि हम उस जगह पे चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमें एक बैकड्रॉप चाहिए था एंड वी डेंट नो दैट वी नीडेड मोर स्टफ, तो थोड़ी जेब और हल्की हो गई। जा के दिखाते हैं अभी की दुकान, टेक शॉप से क्या क्या लिया आपको जा के दिखाते हैं, और ठीक ठाक चीज़ें ली और ऐसी चीज़ें ली हैं जो हमें पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती हैं। सो कूल। अब हमें एसी लेने हैं, वो सामने फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक शॉप है एक, तो वहाँ से ज़रा बस एसी ऑर्डर करते हैं, आई होप लग भी आज ही जाए, अगर लग जाता है तो वेल एंड गुड। लगता तो मैं दिल करता और चीज़ें लेने का, किसी ना किसी चीज़ में वहाँ जाके दिल आ जाता, जैसे आइस मेकर ने काम खराब करवाया था मेरा सारा। कुछ नहीं होता, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस तब भी था लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो कोई ज्यादा मेजर भी काम नहीं है, सिर्फ एसी ही देखना, और एसी लेके हम बस फॉरन ऑर्डर देके पेमेंट देके निकल जाएंगे, ऊपर डिलीवरी चल भी करते रहेंगे। और एसी की दुकान पे आके अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि 1.5 टन का लें या 2 टन का, वो नहीं 67,000 का फर्क है, लेकिन अभी समझ ये नहीं आ रही कि वो करें 15x18 के लिए ये चाहिए। अब हमें तो पता भी नहीं कि जो जहाँ पे हमने लगाना है वो कितने एरिए का कमरा है। 1.5 टन का ऑलरेडी हमारे लाउंज में ड्राइंग रूम में लगा, तो बड़ी कूलिंग करता है, सेम एसी हम सोच रहे थे ले लें, लेकिन समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज के लिए इनका कर रहे कि वॉशिंग मशीन ले लें, लेने एसी आए थे। सॉरी मुश्किल डिसीजन था बट हमने फाइनल किया ये वाला ओरिएंट वाला एसी। ज़रा मैंने अनिया को बोला मुझे ड्रॉप कर दो, मैं ज़रा दाढ़ी बनवा लूँ और हेयर कट करवा लूँ, तो ये जानी डी वॉटसन और मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने। बाय बाय। बाल कटा के बंदा एक बिल्कुल अलग इंसान लगता है। हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, प्रीटी बॉय, अच्छी नाइस दाढ़ी शाड़ी बाल शाद। गैस असल में बहुत लेजी भी हो रहा था और हिम्मत भी नहीं थी, बीमार बहुत था ना मैं, तो मैं जा नहीं पा रहा था। आज हमने थोड़ी सी हिम्मत की, हमने बोला थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन करा देते हैं, लेकिन बिल्कुल नोट हो गया हमने अपने बाल कटाए और दाढ़ी कराई है। बाहर था ना क्या है, प्यारो लग रहा है। ओके थैंक्स,
मैंने सोचा था कि आप लोगों को ऑफिस टूर कराऊंगा, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, चीज़ें जो हमने ली हैं उसको ऑफिस में सेटअप करते हुए, तो वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट हो गए हैं वापस घर आते आते, बिकॉज अनिया को लेना था रास्ते में सीरियन शवरमा, वहाँ पे हम रुके, ऑर्डर किया, आते आते पता नहीं कितनी देर लग गई, एंड वापस अभी आके अभी मैंने नेबुलाइज किया, मेरी ज़रा बिल्कुल मेरी नाक लाल हुई है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमारी जो बेगम है वो क्योंकि हम शहजादों की तरह में ट्रीट करती तो फिर वो यहाँ पर बैठ गई है और ये कूट रही हैं अदरक को, क्योंकि बेलचन नहीं होता यार, बेलना नहीं, नहीं बेलन तो ये है, बेलन तो ये बेलन से ही कूट रहे हैं, बेलन नहीं वो कोई मसाला कूटने वाला होता है, लेकिन तो ये तो बेलन है ना, हाँ ये बेलन है, तो वही बोल रही हूँ, इतनी मेहनत से अदरक कूट रही है और फिर शहद और वो पानी वानी करके, क्योंकि जो गला है वो तो क्या मैंने खाया था पिया था क्या वो सिरप है, नहीं नहीं ये वाला सिरप क्या नाम है इसका, डेकुल बीबी के भी जो गला है ये जूस चाहिए था इसका। गाइस आपकी बीवी डॉक्टर तो हो लेकिन देसी टोटके सबसे पहले प्रेफर करती हो ना तो ज़्यादा अच्छी, एलोपैथिक मेडिकेशन एंड में क्योंकि वो काम भी नहीं की कोई, मतलब खास काम नहीं की, बुखार शुखार नहीं चढ़ा वो अच्छी बात है, रात को चढ़ा था, थोड़ी टेंशन भी मिल जाता दे रही है वरना हमारे बुखार को एक्नॉलेज भी नहीं करते, तो वैसे टच होते बहुत बुखार हो रहा है ड्रामेबाजी, तो डेक्वेल से आई एम अज्यूमिंग के बेहतर हुआ और न्यूब्रॉल मिली थी, बट अब जरा अदरक का जूस और शहद वहद मिला के कोई पानी वानी बना के देंगी, वही क्या बना के देनी आप, शहद गरम और अदरक का जूस एंड काली मिर्च की कंकॉक्शन, आई होप के बेहतर हो जाए क्योंकि खांस खांस के ना मेरा गला बैठ गया, ये तबीयत होती है बंदा वीडियोज ही नहीं बना रहा होता, बंदे की एपेटाइट ही मर जाती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, प्रोडक्टिविटी गोज डाउन द ड्रेन एंड आई रियली डोंट लाइक दैट, और मैं काफ़ी दिल से चाह रहा था कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊं जो भी हमने लिया है डिटेल में, क्योंकि एक सेगमेंट तो मैंने मिस ही कर दिया, असल में मुझे शर्म बहुत आ रही थी, वो दुकान पर लोग बहुत थे तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो एसी वाली जगह बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया, तो जहाँ से हमने बैकड्रॉप और फलाना चीज़ें एक बड़ी कूल चीज़ें हमने ली हैं वो आपको सुबह दिखा दें, तो वहाँ से जब हमने वो चीज़ें ली तो वहाँ से मैंने एक भी पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने सोचा था कि घर आके आराम से आपको दिखाऊंगा, बट नहीं, अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर देखेंगे। फ्राइंग पैन में क्यों डाल रही हो? आई होप इट वर्क्स, एंड गैस नहीं आती भाई, रात को हमारे घर गैस नहीं आती तो इंडक्शन चूल्हा जिंदाबाद। गाइस अनिया ने जितनी काली मिर्च डाल दी है ना ये मुझे नहीं लगता मुझे ठीक करना चाहती हैं, ये मुझे मानना चाहती हैं। अरे ये सीरियसली अनिया कितनी डाल दी है तुमने? इट्स ओके, व्हाई तुम्हें ठीक होना है यार, तो काली मिर्च क्या लेने देना है उसका, मुझे ये नहीं आ रहा कि इसको खाया जाएगा चम्मच में या इसको पिया जाएगा, बताएं प्लीज आप अपने टोटके का आपको क्या लग रहा है, पता नहीं इसको पानी में मिलाने चाहिए सूलन तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इसको चम्मच में नहीं खा रहा, ऐसा ही मैं नहीं खा रहा, ना खाओ मैं खा लेती हूँ, है क्या यार शहद काली मिर्च और अदरक ये क्या कॉम्बिनेशन है यार, नहीं 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 पियो, फाइन चीटिंग मुंह सड़ा है मेरा, इट्स ओके अली ड्रामे नहीं करो, क्या है ये देखना आप तुम्हें कितना आराम आएगा, हिचकियां लगी यार और ये भी क्या मतलब ड्रामे अली इतने ड्रामे I swear to God, man, I'm not making this up. सांस बंद करके पानी पियो। क्या? सीर। आ रही है तो क्या करूँ? तेरी back to back खींच की। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, okay? क्या तरीका? अपनी नाक बंद रखो।
ठीक है, और पानी मुंह में लो और सांस बंद के साथ छोटे छोटे सिप्स निकलो और तुम्हारी हिचकी चली जाएगी। पियो नहीं पानी, जस्ट लाइक सांस बंद छोड़ना नहीं, और छोटे छोटे सिप्स निकलो, छोटे 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 छोटे। हिचकी बंद हो गई। नहीं नहीं, खांसी आ रही थी तुम्हारी काली मिर्च की वजह से। ये लो, खांसी कैसे बंद हो गई। क्या बना के देंगे यार, कसम मुझे लगा था कि पानी में कोई ग्रीन टी टाइप की चीज बना के देंगे, बट नहीं, पता नहीं क्या है यार। वैसे काम तो लग रहा है, हाँ गला काफी साफ लग रहा है। सीरियस लाइक आई हेट टू एग्री, इट वाज डिस्गस्टिंग, बट गला साफ है। ऐसा कोई खांस रहा था, इतने गंदे तरीके से खांस रहा था, खांसी रुक गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये पहले दे थी यार, बिल्कुल से भी बेहतर है ये तो। सीरियस हाँ लाइक वेरी नाइस नेचुरल टोटका, पहले करना चाहिए। लाइक डिस्गस्टिंग बहुत है, टेस्ट वेरी बैड बट वेरी नाइस। मैंने सुना है क्या गले खराब में चावल भी नहीं खाने चाहिए, बट आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। लाइक मेडिसिन में तो मैंने कुछ नहीं ऐसा पढ़ा, बट बड़ों से सुना है। पता नहीं यार, अभी तो एपेटाइट बिल्कुल जीरो हो गए थे, तो अभी तो तुमने बोला तो प्रोटीनेट हुआ ना, तो प्रोटीनेट हुआ, तो सिर्फ मुर्गी खा रहे थे, फिर चावल की मांग है यार, उससे पेट नहीं भरेगा ना, वैसे खाली खाली फील होगा। मैं चाह रहा हूँ कि जरा एक कॉम्बिनेशन, हाँ तो क्या कॉम्बिनेशन मिले ना मील का, लेकिन एपेटाइट वाकई काफ़ी ख़राब हो गई। अभी खाना खा रहा था, ऐसे दिल ही नहीं करता खाना खाने का। सर में यार वो सिंपथी भी आपको चाहिए उतरे जब बीमार होते हैं कि सब सब आगे, कोई ऐसा नहीं है, सारा चक्कर है। नहीं यार, आप लोग देख रहे हैं तो वो उसमें आएंगे ना, गेट वेल सून तो अच्छा लगता है सोच के, तो गेट वेल सून मुझे कॉमेंट करके दे दें, मैं वैसे ठीक हो जाएंगे। वैसे इनके टोटके से तो काफ़ी यार हानि है। दिस वॉज गाइज, आप लोगों को ये टोटका ट्राई कर लो। मुझे इतनी बुरी खांसी लगी थी कि मैं सैल्ब्यूटामोल नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कर रहा था। सैल्ब्यूटामोल बोलना बंद करो गाइस, जस्ट टू बी क्लियर, सैल्ब्यूटामोल इज एन एस्मा मेडिकेशन एंड ही टुक इट बिकॉज ही हैज एस्मा। अगर पता चले किसी को खांसी लगी और थ्रोइंग ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, तो वो सैल्ब्यूटामोल जाके ले ले। तो मैं तो अपनी सिचुएशन में बता रहा था ना, तो खैर मैं सैल्ब्यूटामोल और सलाइन से उसको वो कर रहा था, नेबुलाइज कर रहा था, डेक्वेल पी ली, पता नहीं कितनी ग्रीन टी मैंने एक बार्बर के बैठा हुआ था वहाँ पे भी पी ली, क्या कुछ कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ यार। ये काली मिर्च वाला एकदम से लगा, गले में लगा, बहुत बुरा टेस्ट था, बहुत एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। लेकिन था क्या वैसे एग्जैक्टली बता दो, ये तो इसके लिए तो प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए ना। एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं पता, बट यू जस्ट विंग इट, ये मम्मा बनाती थी। सो इट्स अदरक का जूस, लाइक प्रॉपर अदरक का जूस, जैसे अदरक को कूट के ना उसको निचोड़ के हाथ से उसका जूस निकालें, उसमें थोड़ा सा शहद गर्म करें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के कोई पानी शानी वो पिए खाएं, और उसके बाद शहद भी तो था, हाँ शहद भी बोला है मैंने, और उसके बाद जो है गर्म, जब वो पूरा प्रॉपर अंदर चला जाए तो गर्म पानी ऊपर से पी लें, नॉट रूम टेम्परेचर, नॉट ठंडा, गर्म पानी। तो ठंडा पी सकता हूँ? नहीं ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पी लूँ। हाँ नॉर्मल पानी पी लो। चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, आपसे मुलाकात होती कल एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।